अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम आपका एसटीए 630 का लेक्चर नंबर 39 देखते हैं। इससे पहले कि मैं नेक्स्ट प्रोसीड करूं, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन का बटन भी प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाले असाइनमेंट, क्विजेज़ और शॉर्ट लेक्चर से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुँचे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलें और अपने फ्रेंड्स तक भी शेयर करें ताकि वो भी इससे प्रिपरेशन कर सकें। आज आपका लेक्चर नंबर 39 है। आज के लेक्चर शुरू करने से पहले मैं लास्ट लेक्चर को थोड़ा आपको रीकैप कर दूं। लास्ट लेक्चर का हमारा टॉपिक जो था वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ या फील्ड रिसर्च के ऊपर था, जिसमें हम लोगों ने क्वालिटेटिव रिसर्च, नॉन और क्वांटिटेटिव रिसर्च के ऊपर डिस्कशन की, पार्टिसिपेंट और नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को देखा, लेकिन हमने पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन को ही डिटेल में देखा। फिर हम लोगों ने इथनोग्राफी और इथनो मेथडोलॉजी क्या होती है, उसके बाद हम लोगों ने फील्ड रिसर्च का लॉजिक क्या होता है और फील्ड रिसर्चर जो है वो क्या करता है उसके 10 स्टेप्स देखे, उसके बाद फील्ड रिसर्च के 10 स्टेप डिस्कस किए। आई होप कि आपको उनकी समझ आई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज जो आपका टॉपिक है वो ऑब्जर्वेशन स्टडीज़ को ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे, जो हमारा पिछला लेक्चर शुरू हुआ हुआ था। स्टेप्स इन फील्ड रिसर्च हमने लास्ट स्टार्ट किया हुआ था। इसके अंदर वो कहता है कि ये जो है फील्ड रिसर्च जो है वो बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल होती है और ये लेस स्ट्रक्चर्स होती है और ये हमारे पास क्वांटिटेटिव रिसर्च होती है और ये रैपिडली एडजस्ट हो जाती है किसी भी इन्वायरमेंट के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास इसके जो आ रहे हैं कुछ गाइडलाइंस हैं स्टेप्स की, कुछ हमारे पास 10 गाइडलाइंस हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक हमारा यही है। सबसे पहली गाइडलाइन है प्रिपेयर योर सेल्फ, रीड द लिटरेचर एंड डी फोकस, एम्प्टी योर माइंड, नॉट स्टीरियोटाइप्स। इसमें क्या करना है, अपने आप को रेडी करना है और जो जो अननोन थिंग्स हैं उसको बिल्कुल डीफोकस कर देना और अपने माइंड को फुली एम्प्टी कर देना है, खाली कर लेना है। इसमें फील्ड प्रोजेक्ट जो हैं वो पर्सनली इंटरेस्ट के लिए हैपनिंग हो रही होती हैं और ये प्योरली फोकस नहीं कर रही होती रोल ऑफ रिसर्चर्स के ऊपर, और इसमें आप लोगों ने अपने आप के बारे में जानना होता है। और सेकेंड नंबर पर आपने सेलेक्ट करना है फील्ड की साइट को और उसको एक्सेस करना है कि कौन सी साइट आप सोशली डिफाइन टेरिटरी साइट की बाउंड्रीज तक जाके आपने साइट को एक्सेस सेलेक्ट कर लेना है कि हमने इस साइट के ऊपर रिसर्च करनी है, फिर आपने उसके ऊपर एक्सेस करनी है, अथॉरिटी ले लेनी है और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू करना है। थर्ड नंबर पे आपने एंटर द फील्ड एंड एस्टैब्लिश सोशल रिलेशन विद मेम्बर्स, आपने इसमें आपने रैपिड डिवेल्प करनी है, खुद को प्रेजेंट करना है लोगों के साथ, जो है एक्सेप्टेबिलिटी मैनेज करनी है और आपने अलर्ट बताना है कि सराउंडिंग में क्या हो रहा है। फोर्थ नंबर पे रिलेशन इन द फील्ड, आपने सोशल रोल अदा करना है यहाँ पे और आपने जो रिलेशंस है मेंबर के साथ बना के रखने हैं, अपनी इन्वॉल्वमेंट कंप्लीट उसमें आपने कंप्लीट उसको ऑब्जर्व करना है, जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उन सबको मैनेज करना है। फाइव नंबर पे ऑब्जर्विंग एंड कलेक्टिंग डाटा, आपने यहाँ पे सुनना है, देखना है, अपने डाटा को कलेक्ट करना है और उसके बाद मैप्स, डायग्राम्स वगैरह को भी ऑब्जर्व करना है। सिक्स नंबर पे बिगन टू एनालाइज डाटा, जनरेट एंड इवेलुएट वर्किंग हाइपोसिस। इसके अंदर आप लोगों ने फील्ड रिसर्चर जो हैं वो हाइपोसिस से स्टार्ट नहीं किया जाता है, इसके अंदर आपने यहाँ पे डाटा को खुद ही जनरेट करना है। सेवन नंबर पे फोकस ऑन स्पेसिफिक एस्पेक्ट्स ऑफ सेटिंग एंड यूज थियोरेटिकल सैम्पलिंग। इसके अंदर रिसर्चर्स जो है वो पहले जनरल पिक्चर हासिल करता है इसकी, फिर उसके ऊपर हाइपोसिस बताता है और उसमें सेलेक्टिव ऑब्जर्वेशन कर रहा होता है, सिचुएशंस को देखता है, इवेंट्स को देखता है, लोकेशंस को देखता है और बताता है कि किस टाइप के लोग इसमें इन्वॉल्व हुए हैं। एट नंबर पे आपने कंडक्ट करना है फील्ड इंटरव्यूज़ को मेंबर इन्फॉर्मेंट्स के साथ। इसमें जो फील्ड रिसर्चर्स हैं वो अनस्ट्रक्चर्ड या फिर नॉन डायरेक्टिव होते हैं, डेप्थ में इंटरव्यू नहीं ले रहे होते, तो आपने इसको ध्यान से कंडक्ट करना है। अब इसमें इंटरव्यूज़ की दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास सर्वे इंटरव्यू है, एक हमारे पास फील्ड इंटरव्यू है। इन दोनों के बीच में हम डिफ्रेंस करते जाएँ, ये एट वाले पॉइंट का आगे सब पॉइंट है। सर्वे इंटरव्यू जो है वो क्लियर होता है स्टार्ट में, लेकिन फील्ड जो इंटरव्यू है वो स्टार्ट में क्लियर नहीं होता, एंड भी उसका क्लियर नहीं होता और स्टार्ट भी उसका क्लियर नहीं होता। और जो सर्वे रिसर्च है वो सेम स्टैंडर्ड के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं सेम सीक्वेंस के अंदर, इसके अंदर जो ऑर्डर है वो नहीं होता है, वो स्पेसिफिक लोगों के लिए स्पेसिफिक सिचुएशन में होता है। इसके अंदर जो इंटरव्यूअर हैं वो न्यूट्रल अपेयर हो सकते हैं किसी भी टाइम, इसके अंदर इंटरेस्ट उनका देखा जाता है, इनको इनक्रेज किया जाता है, एलोबरेट किया जाता है।
उसके बाद सर्वे इंटरव्यू जो है, इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं रिस्पोंडेंट्स ने उसके आंसर देते होने देने होते हैं। लेकिन फील्ड इंटरव्यू के अंदर कन्वेंशनली एक्सचेंज कर रहा होता है, इसमें ज़्यादा इंटरव्यूअर जो है वो ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है और फ्रेंडली होके वो इंटरव्यू कर रहा होता है। जो सर्वे इंटरव्यू है वो हमेशा एक रिस्पोंडेंट्स अकेला ही देता है, लेकिन फील्ड इंटरव्यू ग्रुप के अंदर इंटरव्यू दिए जाते हैं। सर्वे इंटरव्यू जो है उसमें प्रोफेशनल टोन यूज़ करता है, इसमें उसका बिजनेस के ऊपर फोकस होता है, लेकिन ये हमारे पास इंटर पर्सनल है, जोक्स वगैरह कर सकते हैं, डाइवर्शन दे सकते हैं, स्टोरीज बता सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो क्लोज एंडेड होते हैं और इसमें कम प्रॉब्लम्स होते हैं। इसमें ओपन एंडेड क्वेश्चन होते हैं और इसमें प्रॉब्लम जो है वो फ्रीक्वेंटली हो सकती हैं। इसमें जो इंटरव्यू है वो डायरेक्शन, इंटरव्यू की डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है। इसमें मेंबर्स जो हैं वो जॉइंटली काम कर रहे होते हैं और वो इकट्ठे ही उसको मैनेज करते हैं। सर्वे इंटरव्यू जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट को जो है वो इग्नोर कर रहा होता है। इसमें सोशल कॉन्टेक्स्ट को नोट किया जाता है। इसमें जो इंटरव्यूर है वो कम्युनिकेशन मोड जो है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ले रहा होता है और इसमें जो है वो लैंग्वेज यूज़ कर रहा होता है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं होता। अब 9 वाला हमारा जो पॉइंट चल रहा था रिसर्च का स्टेप, फील्ड रिसर्च के स्टेप्स का, वो 9 वाला पॉइंट है डिसइंगेज एंड फिजिकली लीव दी सेटिंग। कहते हैं किसी पॉइंट के ऊपर हमारा काम बिल्कुल रुक जाता है, बाज़ दफ़ा इमोशनल लैंडिंग हो जाती है, इसमें सिचुएशंस के ऊपर ये डिपेंड कर रहा होता है। और 10th नंबर पे वो कहते हैं कंप्लीट दी एनालिसिस एंड राइट दी रिपोर्ट। लास्ट पे हम लोगों ने सारा एनालिसिस करना है और उसकी रिपोर्ट लिख के दे देनी है। और बस इसका इतना ही था। यहाँ पे हमारे जो हैं वो 10 स्टेप कंप्लीट होते हैं फील्ड रिसर्च के, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में जस्ट रीड किए थे, आज हमने उनको डिटेल में देख लिया है। नेक्स्ट हमारे पास इथिकल डाइलमास ऑफ फील्ड रिसर्च है। इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है फील्ड रिसर्चर्स की सोशल लीव्स के साथ, लोगों के साथ। इसमें हम लोग कॉन्फिडेंशियलिटी और डिसेप्शन को देख रहे होते हैं। अब डिसेप्शन हमारे पास क्या होती है के अंदर, जो हमारी रिसर्च है वो कोवर्ट होती है, इसमें कुछ गलत चीज़ें भी बताई जाती हैं, नेम आइडेंटिटी वगैरह जो है लोगों को मिसलीड कर जाती है। इस ये डिपेटेबल होती है, इसमें कॉस्ट बेनिफिट इशू होता है। उसके अलावा ये जो है वो प्रीफेबल होती है और ये इतनी आसान नहीं होती, ये हमारी डिसेप्शन जो है। और लास्ट हमारे पास कॉन्फिडेंशियलिटी है, ये जो है इसमें नॉलेज देखा जाता है, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। और इसमें जो है मॉरल ओब्लिगेशन इसका यही है कि कॉन्फिडेंटली वो डाटा आप जो लें फील्ड के अंदर, नोट्स बनाएं और इसकी रिपोर्ट तैयार करें। उसके बाद इन्वॉल्वमेंट विद डेवियंट्स के, इसमें रिसर्चर्स जो हैं वो रिसर्च कंडक्ट कर रहे होते हैं डेवियंट्स के ऊपर, जो कि रिसर्च के ऊपर इलीगली बिहेवियर शो कर रहे होते हैं, इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। जो डाइलमा होते हैं वो रैपर्स जो हैं वो बिल्ड करते हैं डेवियंट्स के ऊपर और इसमें इन्वॉल्व नहीं होते, वायोलेट क्रिएट कर रहे होते हैं। लास्ट हमारा इसका पॉइंट है पब्लिशिंग फील्ड रिपोर्ट है। ये भी इन नॉलेज से ही स्टार्ट की जाती है। इसमें रिसर्चर्स जो हैं वो रिपोर्ट बनाते हैं, डायलमा बनाते हैं और जो राइट चीज़ें क्या हैं उनकी प्राइवेसी बताते हैं और राइट चीज़ें जो हमने सीखी हैं उनके बारे में बता रहे होते हैं। और इसमें कुछ चीज़ें जो कि हिडन हैं उनको हिडन ही रहने देते हैं और इसको अच्छे से मैनेज करते हैं। पहले जो हमारे पॉइंट्स थे इसमें हम लोग 3-4 पॉइंट देखे हैं कि हमारे पास पब्लिशिंग फील्ड रिपोर्ट है, इन्वॉल्वमेंट विद डेवियंट्स, कॉन्फिडेंशियलिटी और डिसेप्शन। ये हमारे पास इथिकल डाइलमास ऑफ फील्ड रिसर्च इस टॉपिक के ये 4 पॉइंट्स थे। बस आपका आज का लेक्चर इतना ही था, जिसके अंदर हमारा जो मेन टॉपिक था वो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज़, जो हमने 38 लेक्चर में स्टार्ट किया था उसको ही हमने कंटिन्यू किया। इसमें हमने फील्ड रिसर्च के स्टेप्स को डिटेल में देखा, फिर हम लोगों ने 2 इंटरव्यू, सर्वे इंटरव्यू और फील्ड इंटरव्यू, उनके बीच में भी डिफरेंस किया। उसके बाद हम लोगों ने इथिकल डाइलमास देखा। डाइलमास का मतलब होता है मशकूक, के फील्ड रिसर्च के अंदर जो मशकूक चीज़ें हैं उनको हमने देखा, जिसमें डिसेप्शन, कॉन्फिडेंशियलिटी और इन्वॉल्वमेंट विद डेवियंट्स। डेवियंट्स का मतलब होता है गुमराह करने वाले, और दी पावर। उसके बाद पब्लिशिंग फील्ड रिपोर्ट हम लोगों ने डिस्कस की। आई होप कि आपको इनके समझ आई हो। फिर भी कोई क्वेश्चन हो विदाउट एनी हेजिटेशन कमेंट्स में पूछें। बाकी दो में याद रखें, अल्लाह हाफिज़।